1924 से लेकर 1931 तक अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे काकोरी कांड किया गया, कैसे षड्यंत्र किया गया, सैंडर्स की हत्या क्या, कैसे असेंबली पे बम फेंका गया, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक करके एक एक घटनाक्रम में 1924 से लेकर 1931 तक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है, शॉर्ट ही होने वाला है, और सारी एक एक पॉइंट आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे चैट बन गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को काफ़ी इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को नहीं मिलेंगी, और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कुछ क्वेश्चनों का आंसर गलत करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आप लोगों ने यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल से आप लोगों ने इसको लिया है। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। उसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, उसको कहाँ पे स्थापित किया गया था, मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ था, उसके कौन कौन से फाउंडर मेंबर्स थे, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, कानपुर में की गई थी, ठीक है, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में की गई थी। उसके बाद इसके संस्थापक सदस्य फाउंडर मेंबर्स कौन कौन से थे, बिस्मिल्ल खान थे, रामप्रसाद बिस्मिल्ल, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल थे, सचिंद्रनाथ सान्याल के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, उसके बाद अशफाक उल्ला खान थे, अशफाक उल्ला खान के बाद योगेश चटर्जी आए, योगेश चटर्जी के बाद भगत सिंह। भगत सिंह का एक इम्पॉर्टेंट मतलब नोट करने वाली बात है कि 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, लेकिन भगत सिंह जो आए थे 1925 में आए थे, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1925 में आए थे। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करनी थी, तो उसके लिए क्रांतिकारी संगठनों मतलब क्रांतिकारी भाइयों का एक संगठन बनाया गया था। तो अब देखिए, 1924 में संगठन तो बन गया, अब अंग्रेजों से लड़ाई करनी थी। ये गांधी जी की तरह नरम दल के तो लोग थे नहीं, ये गर्म दल के की विचारधारा वाले थे, ठीक है। इनका मानना था कि अंग्रेजों से हाथ जोड़ के हम लोग आज़ादी नहीं ले सकते, अंग्रेजों से लड़ के हम लोगों को आज़ादी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि उस समय तो इनके पास संसाधन नहीं था, उस समय इनके पास संसाधन नहीं था और अंग्रेजी सरकार लगभग 100 सालों से हुकूमत कर रही थी, तो उसके पास आधुनिक हथियार और सैन्य शक्ति भी ज़्यादा थी। तो इन लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हमारे पास कुछ पूंजी है, पूंजी आने के बाद हम लोग उसको बेच के हम लोग क्या करेंगे, हथियार खरीदेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि प्लान बनाया कि काकोरी में के थ्रू जो ट्रेन गुजरती थी उसमें सरकारी धन काफ़ी था, उसको ट्रेन को अगर हम लोग लूट लेते हैं तो हम लोग के पास काफ़ी पर्याप्त पूंजी होगी कि हम लोग हथियार खरीद सकें उससे, ठीक। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि काकोरी ध्यान में रखिएगा, काकोरी जो है वो अभी लखनऊ में है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काकोरी में जो ट्रेन गुजरती थी उसको लूटने का इन्होंने प्लान बनाया। तो उसका नाम क्या दिया गया, काकोरी डकैती कांड, ठीक है। इसको कब किया गया, 1925 में किया गया, 1925 में। इसमें जो प्रमुख डकैत थे, जो प्रमुख, देखिए काफ़ी लोग थे ट्रेन को लूटने में जो मदद कर रहे थे, इस संगठन में थे काफ़ी लोग, लेकिन प्रमुख लोग जो थे जो ट्रेन को लूटे और जो पकड़े गए उनके नाम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और कुछ लोग जो भाग गए एक आध लोग उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ सान्याल, भूपेंद्रनाथ सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ये सात लोग अप्रॉक्स थे उसमें, काकोरी डकैती कांड में मुख्य लोग थे। तो इनको क्या हुआ कि काकोरी डकैती कांड जो थी उस हद तक सफल नहीं हो पाई, तो उसके बाद वहाँ से काफ़ी लोग पकड़े गए, तो पकड़े गए जिनमें से बिस्मिल्ल खां और राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्ला खां, ये तीन लोगों को अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे डाला, ठीक है, फांसी हो गई ये तीन लोगों को, रामप्रसाद बिस्मिल्ल, राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्ला खां। उसके बाद जो दो लोग बचे, सचिंद्र सान्याल और भूपेंद्र सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, तो इन लोगों को क्या हुआ, उम्र कैद हो गया,
उम्र कैद हो गया, ठीक है, उम्र कैद हो गया, इन दोनों जन को उम्र कैद हो गया। तो ये पांच लोग पकड़े गए, तीन लोग को फांसी हो गया, दो लोग को उम्र कैद हो गया। उसके बाद जो दो लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो बिखर चुकी थी, क्रांतिकारी संगठनों में हमारे रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन राजेंद्र लहरी और अशफाकुल्ला खान जैसे महान क्रांतिकारी जो भाई थे वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद कुछ लोग जो थे उम्र कैद की सज़ा उन लोगों को हो चुकी थी, वो लोग जेल में थे। तो उसके बाद ऐसा तो था नहीं कि क्रांतिकारियों के मन में मतलब आक्रोश भी था इन तीनों के शहादत का, तो उन्होंने क्या किया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, HSRA, ठीक है। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिएगा। तो HSRA की स्थापना की गई 1928 में, 1925 में काकोरी कांड हुआ, उसके तीन साल बाद 1928 में लाहौर में जाके भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिल के इसकी स्थापना की। मेनली ये था कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो उसके संस्थापक सदस्य मुख्य रूप से माने जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। उसके बाद क्या हुआ कि इस ग्रुप ने सैंडर्स हत्याकांड में एक अहम भूमिका निभाई और अंजाम भी दिया, ठीक है। अब जानते हैं कि सैंडर्स हत्याकांड और षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र को भी मतलब के नाम से भी जिसको जानते हैं, वो क्या था और क्यों किया गया ये। जब देखिए मेन बात थी कि जब लाला लाजपत राय और उनके साथ कुछ सहयोगी मिल के जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, निहत्थे थे। तो उस समय क्या किया, अंग्रेजी जो वहाँ के मतलब अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने क्या किया कि लाठीचार्ज करवा दी। तो लाठीचार्ज में काफ़ी बुरी तरह पीटा गया जो शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे लाला लाजपत राय को काफ़ी गहरी चोट आ गई, छाती पे बुरी तरह से उनको मारा गया था, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद काफ़ी गुस्से में थे हमारे क्रांतिकारी भाई, तो उन्होंने सोचा था कि हम बदला लेंगे अंग्रेजी हुकूमत से। तो उन्होंने षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र रचा एक तरह से और सैंडर्स हत्याकांड उन्होंने अंजाम दिया। तो यह हुआ था 1928 में हुआ था। इसमें दो लोग और आ गए थे लाहौर हत्याकांड में, मेन चार लोग थे, मैं आप लोग आपको नाम बता दे रहा हूँ, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, सुखदेव और राजगुरु भी आ गए थे और चंद्रशेखर आज़ाद, माफ कीजिएगा आज़ाद लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, आज़ाद और भगत सिंह, भगत सिंह आज़ाद और भगत सिंह भी इसमें शामिल हो गए लाहौर षड्यंत्र में, हत्याकांड में। तो क्या हुआ कि लाहौर षड्यंत्र और हत्याकांड में सैंडर्स जब सामने से आया तो उसको राजगुरु और सुखदेव ने गोली मारी। सबसे पहले राजगुरु ने गोली चलाई, उसके बाद भगत सिंह ने उसको गोली चलाई, तो वहीं पर वो बेचारा मर गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुखदेव और राजगुरु जो थे वहाँ पकड़े गए, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ लिया गया और कुछ समय बाद जाके चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई ये काफ़ी लोग जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की जीवनी के ऊपर, उनके घटनाक्रम के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं किसी के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाहौर षड्यंत्र हुआ 1928 में, उसके बाद का घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ कि असेंबली बम कांड हुआ। असेंबली बम कांड क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन शामिल थे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डिटेल में समझिएगा। ये देखिए काफ़ी इजी है जिस वे में मैं बता रहा हूँ याद करना, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। वहाँ से जो थे भगत सिंह निकल गए थे, तो बचे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग शामिल थे असेंबली बम कांड में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब असेंबली बम कांड हुआ कहाँ था, सेंट्रल असेंबली जो दिल्ली में थी, दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली थी दिल्ली में, वहाँ बम फेंका गया, ठीक, दिल्ली में बम फेंका गया। तो ये क्यों फेंका गया, किस वजह से बम फेंका गया,
क्योंकि देखिए अंग्रेजी हुकूमत के ने क्या किया कि देखा कि 1924 से लेके मतलब काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियां उग्र अपने चरम सीमा पे थी, काफ़ी लोगों की अंग्रेजी सरकार में मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया, पब्लिक सेफ्टी बिल या कुछ लोग पब्लिक सेफ्टी बिल भी कहते हैं, वो पास किया। तो उसमें क्या था कि कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एक तरह से कर्फ्यू टाइप का था, क्रांतिकारी गतिविधियां कहीं नहीं होंगी, किसी भी प्रदर्शन की योजनाएं नहीं बनाई जाएंगे, कुछ भी जो गांधी जी वगैरह प्रदर्शन कर रहे थे चाहे कोई और भी प्रदर्शन कर रहा था वो सारी गतिविधियाँ नहीं होंगी। ये मतलब सरकारी मतलब अंग्रेजी सरकार ने ये पारित किया एक बिल को। तो उसके विरोध में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे असेंबली पे बम फेंका। इसका उद्देश्य क्या था असेंबली पे बम फेंकना, किसी की जान लेना नहीं था, इस पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध प्रदर्शित करने का मतलब ये तरीका था, उसमें किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया था, इसका रिजल्ट क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे सरेंडर कर दिए, वहाँ पर सरेंडर इसलिए कर दिए ताकि काफ़ी लोग देखेंगे और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को मतलब सरेंडर करके देखेंगे। उसके बाद उनको तो भगत सिंह ने षडयंत्र में सैंडर्स हत्याकांड में भी शामिल थे तो फांसी होना तय ही था, तो उनको फांसी होगा। तो जो भारतीय लोग थे उनके मन में एक आक्रोश आएगा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, इसी यही विचारधारा को लेके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। वहाँ पर सरेंडर करने के बाद कुछ दिनों के बाद 1931 में आप सभी को पता होगा तीन लोगों की फांसी हुई, भगत सिंह की फांसी हुई और सुखदेव और राजगुरु तीन लोगों को फांसी दी गई। तो ये था इस वीडियो में 1924 से लेकर 1931 तक की सारी घटनाएं जो कि इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आप लोगों के। तो ये एक एक करके आप लोग पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, चाहे अपने माइंड में फिट कर लीजिए जो मैंने वीडियो बताया है। एक बार आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख के आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए इस टॉपिक को कि क्या क्या कैसे कैसे और क्यों और कहाँ पे सारी घटनाएं हुई, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो ये था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सजेस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, साइंस या टेक्नोलॉजी की कोई टॉपिक हो, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए तो हम आपको उसके ऊपर हम लोग वीडियो एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना के यूट्यूब पे डाल देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।